हमने एक्सियल लाइन का ये फॉर्मूला किया, इक्वेटोरियल का ये फॉर्मूला किया। एक्सियल इक्वेटोरियल में टू का अंतर है। पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो पता लगना चाहिए वो इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है। फिर क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट का मतलब क्या होता है? डायपोल के अंदर अगर हम ये स्टेटमेंट दें दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो इसका मतलब होता है इनके बीच में डिस्टेंस इज 2a। तो यहाँ पर 2a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसे इतने मीटर है। तो ऐसे a कैन बी कैलकुलेटेड इफ नीडेड। और आपको q की वैल्यू गिवन है 20 माइक्रोकूलम, आपको ये वैल्यू गिवन है। आगे आपको क्या क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल का मतलब सेंटर से कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दूर। तो आर की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, आर भी आ गया। तो आपको ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाना है। तो आप ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा लेना, 1/4πε0 पी बाय आर क्यू, और नेक्स्ट लाइन में 1/4πε0 पी की जगह कितना, क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय आर क्यूब। चार्ज आपको पता है, 2a की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करके आर आपको पता है, वैल्यू पुट करके न्यूटन पर कूलम में आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है, ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला कैसे लगाना है, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ना डिस्टेंस 2a होता है, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस a नहीं लेना, 2a लेना है। तो 2a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर सीधी पुट कर देनी है, तो 2 into a सीधा गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो न्यूमिनेटर में आएगा q into 1 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से दो चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरा भी ऑफ ऑपोजिट साइन मैंशनड है। इसका मतलब q एंड माइनस q हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, q एंड माइनस q का मतलब है कि एक डायपोल है एंड 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, यानी कि 2a की वैल्यू फिर से 1 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर e की वैल्यू आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्या गिवन है, सेंटर से दूरी को क्या बोलते हैं, r। r का मतलब है 10 × 10⁻²⁻ r की वैल्यू आ गई, राइट, क्लियर है। तो 2a आ गया, r आ गया। नेक्स्ट है ई एक्सीएल का फॉर्मूला लगा लें, जो कि 1/4πε0 2π/r³ का फॉर्मूला लगेगा। 1/4πε0 2 × p की जगह q × 2a डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब क्वेश्चन में आपको q पता है, 2a भी पता है और r भी पता है, ये सारे डिस्टेंस सेंटर से हैं और सेंटर से डिस्टेंस को r बोलते हैं। तो सारी वैल्यूज पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि इक्वेटोरियल का और एक्सियल की स्टेटमेंट्स कैसी दिखती है न्यूमेरिकल में, ठीक है यहां तक। मैग्नीट्यूड लेना होता है, वो डायपोल नहीं है, क्योंकि q एंड माइनस क्यू ही डायपोल है। और अलग अलग आ गए फिर वो पुराना तो है ही मेथड, +1 रख लेना, वो इसे रिपेल करेगा, वो इसे अट्रैक्ट करेगा, बड़ी मतलब छोटी वैल्यू ऐड या सबट्रैक्ट, डन, वो तो है ही है ना, है ना। +1 रख के तो गेम खेलनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही लोगे। ये तो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और फटाफट सॉल्व करना हो, नहीं तो अगर ये भी ऐसा भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, साल में डायपोल ही भूल जाओ। अच्छा ऐसा भी लगता था, भूल भाल गए, याद ही नहीं आया उसने कौन सा मेंशन किया डायपोल है, ऐसा भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं। फिर आपको कम से कम ये तरीका तो आना ही चाहिए, यहाँ पे रखो +1, अगर डायपोल ना रिकॉग्नाइज कर पाए तो यहाँ पर रखो +1, फिर तरीका लगाना, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे, तो ये -1 है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, बड़ी ई में से छोटी ई को माइनस, फिर एक तरीके से डेरिवेशन करनी पड़ेगी आपको वहाँ। तो बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, बंदा भूल जाता है, फिर +1 रख के तो काम करेगा ही। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। एक शीट इसी में, सब्जेक्टिव शीट नंबर 3 दी हुई है आपको, है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1।
चलो ये शीट करने से पहले पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो आज के लेक्चर में बहुत काम आएंगे और पूरी इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बहुत काम आएंगे।